तकरीबन आपने हॉलीवुड में काम किया है, आज का वहाँ पे एक मामला चल रहा है, हॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा है, हॉलीवुड के एक्टर होता है कि इंडिया का भी ये सब होता है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ जहाँ जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही। अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सेक्सुअली सप्रेशन कम है, और हमारे यहाँ की सोसाइटी में भी सेक्सुअल सप्रेशन है, हमने बहुत सारी इसके पीछे जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज़ लगा रखे हैं, हम कोई भी खड़ा होकर जज कर सकता है दो लोगों के रिश्ते को लेकर, तो ये एक हेल्दी साइन तो नहीं है। और शोषण होता है लोगों का, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हर फील्ड में होता है, वो सिर्फ फिल्म लाइन तक महदूद नहीं है, वो हर लाइन के अंदर जब जब सेक्सुअल सप्रेशन रहेगा तो आदमी जो है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। दीपिका क्या आने वाली, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, वो अभी उसका फाइनल वर्जन जो है विशाल साहब भेजने वाले हैं, हमारी डेट्स तय हो गई हैं और हम शूटिंग की डेट्स हमारी तय हैं, और आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो एंटरटेनिंग फिल्म है, थोड़ा उसका डार्क एरिया है उस फिल्म का, जैसे कि विशाल साहब की फिल्मों में रहता है, लेकिन एक्साइटिंग फिल्म, और दीपिका का कमाल का रोल है। ऐसा कोई एक कैरेक्टर जिससे प्लान है? हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह की, मुझे लगता है कि एक फिल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और उस वो अगर हो गया तो मैं ज़रूर मई जून में वो फिल्म शुरू करूँगा, और उस तरह की हार्ड हिटिंग फिल्म आपने शायद मेरे से नहीं देखी होगी, मैं उनकी हदें पार करूँगा। जिससे मतलब ये अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बताता कि मैं क्या मीन करता हूँ।